की थी कि फाइवर के ऊपर हमें क्या करना है, हमें अपनी गिग्स जो है ना वो पब्लिश करनी है। जो भी सर्विस हम ऑफर करना चाह रहे हैं ना, उसकी हम एक गिग पब्लिश करेंगे और फिर हम वो सर्विस जो है ना ऑफर कर पाएंगे फाइवर के ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले जो है वो फाइवर को डिस्कस करना था और सबसे पहले फाइवर के ऊपर हमने काम करना था। फाइवर के ऊपर हमने सबसे पहले काम क्यों करना था जी, क्या रीज़न थी उसकी? वो न्यू जो आने वाला है उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। और उसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो आपको ये प्रपोजल्स भेजने देता है, 10 प्रपोजल ये आपको भेजने देता है दिन के, वो भी बिल्कुल फ्री में, जो कि बहुत बड़ी बात है। बाकी प्लेटफॉर्म्स आपको चार्ज करते हैं, हमने पहले भी बात की थी। ठीक है, अच्छा, अब आपको इतना आइडिया हो गया था कि इसके ऊपर आपको गिग्स पब्लिश करनी है किसी भी सर्विस के लिए, जो भी सर्विस आप ऑफर करना चाह रहे हैं। हमने उस दिन कुछ जेनेरिक बातें भी की थी उस हवाले से कि कुछ जनरल चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप अपनी गिग्स वगैरह पब्लिश करेंगे। मैंने कहा था कि आप लोग अपने हिसाब से, अपनी स्किल्स के हिसाब से चीज़ें फाइंड आउट करो। ठीक है, कि आपको किन चीज़ों के ऊपर काम करना है, ठीक है, या कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है। क्योंकि बेसिकली फाइवर के ऊपर अगर हम बात करें तो सारा जो प्रोसेस है, सारी जो गेम आप बोल सकते हो कि सारी गेम जो है ना वो कीवर्ड्स की है। जितनी अच्छी सिलेक्शन आपकी कीवर्ड्स की होगी ना, उतना जल्दी आपके सक्सेस के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने बात की थी कि कंपटीशन की, हमें ऐसा कीवर्ड चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, जिसमें कंपटीशन कम हो और जिसमें कस्टमर की डिमांड जो है वो ज़्यादा हो। सो अगर हम ऐसे कीवर्ड के ऊपर जाते हैं तो हमारे चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं सक्सेस के, जल्दी रिस्पांस के, कि हमें जल्दी रिस्पांस मिल सकता है, जल्दी हमें ऑर्डर्स मिल सकते हैं, इन शॉर्ट जल्दी हमारी अर्निंग शुरू हो जाती है, बजाय इसके कि हम किसी ऐसे कीवर्ड के ऊपर चले जाएँ जहाँ पर बेतहाशा रश हो। जहाँ पर बेतहाशा रश हो, हमें जो है इतने ज़्यादा सेलर्स से जो है वो मुकाबला करना पड़े, कम्पीट करना पड़े। ठीक है, अब आपने देखा था कि जो भी हम कीवर्ड सर्च कर रहे थे उस कीवर्ड से रिलेटेड गिग्स आ रही थी और कुछ लोग हमारे पास जो है वो टॉप पर आ रहे थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगेन आकर जो है वो लिखता हूँ लोगो डिज़ाइन। सो जैसे ही मैंने लोगो डिज़ाइन लिखा, यहाँ पर देखें उस दिन आई थिंक सो 1,49,000 थे, यस सर। आज जो है 1,51,000 हो गए हैं। तो आप ऐसे समझे कि 2,000 बंदा तो आ गया है ना इस कीवर्ड पर। ठीक यस सर। है, अच्छा, अब जैसे ही हमने ये लोगो डिजाइन लिखा है, ये कुछ सेलर्स ऊपर आ गए हैं। अब आपको पता है कि टोटल है 1,51,000, उसमें से अगर आप देखें तो पहला पेज है ये और पहले पेज पर 48 लोग हैं। अब कोई ना कोई रीजन है जिसकी वजह से ये लोग टॉप पर आए हैं। ठीक है, वो रीज़न क्या है? वो रीज़न है इनके ये रिव्यूज़, लोगों ने इनके बारे में देखें 5 स्टार लिखी हैं चीज़ें। उसके बाद रीज़न है इन लोगों ने अच्छे ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आप ऑर्डर कंप्लीट करते हो उसका 20% किसको जाता है? फाइवर फाइवर को को। फाइवर फाइवर को। को सो आप इन शॉर्ट फाइवर को रेवेन्यू दे रहे हो कि नहीं दे रहे? दे रहे हैं सर। दे रहे हैं। दे रहे हो ना फाइवर को रेवेन्यू। सो जितना आप फाइवर को रेवेन्यू दोगे ना, उतना फाइवर आपको बेनिफिट देगा, आपको ऊपर की तरफ लाएगा, आपको आगे वाले पेजेस के ऊपर लाएगा। और आप जितना आगे वाले पेजेस के ऊपर आओगे, आपके लिए उतना ज़्यादा फायदा होगा। इसको बोलते हैं कि गिग आपकी रैंक हो गई है। रैंक होने का मतलब क्या है कि जब आपने बनाई थी यार, आप लास्ट पर थे, आपने आहिस्ता 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 ऑर्डर्स कंप्लीट किए, लोगों ने आपके बारे में अच्छा लिखा। अच्छा लिखना क्या होता है? रिव्यूज़ होते हैं बेसिकली। ये देखें, अब ये उन्होंने लिखा है कि भाई ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने इससे लोगो बनवाया। इसने भी लिखा है कि टोनी अमेजिंग था। ये भी लिख रहा है टोनी जो है वो अमेजिंग था, इसने बड़ा अच्छे से काम किया। ये क्या होते हैं? रिव्यूज़ होते हैं। जब भी कोई आपसे काम करवाता है ना, आपका काम करता है, तो काम जैसे ही आपका कंप्लीट होता है ना, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो आपको रिव्यू दे या ना दे। ठीक है, अगर तो वो रिव्यू देता है तो वो इस तरह की कुछ लाइंस आपकी प्रोफाइल के ऊपर लिख कर जाता है।
अब वो लाइंस वो अच्छी भी लिख सकता है बुरी भी लिख सकता है। अगर तो वो अच्छी लिखेगा तो आपकी गिग को बूस्ट मिलेगा, आपकी गिग पीछे से उठकर थोड़ा सा आगे आ जाएगी। आप ऐसे समझो कि लास्ट बेंच पर बैठी थी आपकी गिग, एक अच्छा रिव्यू आया, आपने एक ऑर्डर कंप्लीट किया, वो लास्ट बेंच से सेकंड लास्ट पर आ जाएगी। इसी तरह से एक और आया, आहिस्ता 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 वो क्या हो जाएगी, आगे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे आप ऑर्डर्स कंप्लीट करते जाओगे, आपकी प्रोफाइल पर आपकी गिग पर लोग इस तरह के रिव्यूज़ लिखते जाएंगे, वो क्या होता जाएगा, गिग आपकी आगे को आती जाएगी, ठीक है। और अगर इसी तरह कोई बुरा रिव्यू लिखता है, 1 स्टार देता है, 2 स्टार देता है, तो आपकी गिग थोड़ा सा पीछे हो जाएगी। फाइवर कहेगा कि यार ये बंदा अच्छा काम नहीं करता है, इसको थोड़ा सा पीछे करो, जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको ज़रा आगे लेकर आओ। तो क्या ख्याल है, आपको हमेशा अच्छा काम करना है कि नहीं करना? यस सर, अच्छा करना काम। है सर, करना ठीक है, आपको हमेशा अच्छा काम करना है, आपका कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। कस्टमर आपका सेटिस्फाई होगा ना, तो फिर वो अच्छा रिव्यू लिख कर जाएगा और वापस भी आएगा आपके पास अगले काम के लिए, अगर आप किसी कस्टमर को सेटिस्फाई करके भेजते हो तो। और इस तरह से आपकी गिग क्या होगी, आहिस्ता 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 जो है वो आगे आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कि इन 1,51,000 लोगों में आगे आना थोड़ा सा जल्दी है या 4-5 हज़ार लोगों में? चार पांच हजार लोगों में 4-5 हज़ार लोगों में। सो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली जो है ना ऐसे कीवर्ड्स फाइनल करने हैं, अपना मेन कीवर्ड जो है हमें फाइनल करना है। फॉर एग्जांपल, कोई कहता है मैंने इस लोगो डिज़ाइन के ऊपर काम करना है, इसमें 1,51,000 जो है वो गिग्स हैं, ठीक है, ये देखिए 1,51,000 ये गिग्स हैं इसके अंदर। तो कोई कहता है मुझे इसके अंदर जो है वो काम करना है, कोई कहता है कि जो है अपना मुझे कुछ सब कीवर्ड के ऊपर काम करना है, जैसे मिनिमल लोगो डिज़ाइन है, ठीक है, इसके ऊपर 41,000 सर्विसेज है। सो हमें क्या करना है, हमें अपने जो कीवर्ड्स है ना उनको फाइनल करना है। कितने कीवर्ड्स को फाइनल करना है? 7 कीवर्ड्स को। 7 कीवर्ड्स को क्यों फाइनल करना है कि जब आप एक प्रोफाइल क्रिएट करते हो ना, आप जब आप अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करते हो इस तरह की, ठीक है, अब ये HS Studio 14 है कोई, ठीक है, इन्होंने कितने गिग्स पब्लिश की हुई है यहाँ पर? तो 2 गिग्स, ठीक है। जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हो ना, जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हो, तब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 7 गिग्स बना सकते हो। कितनी गिग्स? सात गिग 7 गिग्स बना सकते हो। तो क्या ख्याल है, हमें 7 कीवर्ड्स फाइनल करने हैं या नहीं करने उन 7 गिग्स के लिए? करने हैं यस सर। ठीक है, आपको 7 कीवर्ड्स अपने फाइनल करने हैं कि यार ये वो 7 कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर मुझे काम करना है। अब वो 7 कीवर्ड्स कौन से होंगे? वो 7 कीवर्ड्स वो होंगे जिनमें कंपटीशन कम होगा, जिनमें आपका इंटरेस्ट होगा, आपको वो चीज़ बनाने में मज़ा आएगा, और जिनमें काम की रेशो भी ठीक होगी। काम की रेशो से क्या मतलब है कि उसके कस्टमर्स मौजूद होंगे। अब कोई ऐसे गिग तो हम नहीं बनाएंगे ना जिसका महीने में एक आधा कस्टमर आए। नो सर, नो सर। अब वो महीने में 10-15-20 डॉलर का ऑर्डर कंप्लीट करके जिसमें से 20% फाइवर ले जाएगा, आपके हिस्से में वही 8, 12 या 16 डॉलर आएंगे। वो महीने के 16 डॉलर को क्या करोगे आप? कुछ फायदा नहीं है ना, नो सर। ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ऐसा कीवर्ड ढूंढना है जिसके ऊपर काम की रेशियो भी ठीक हो, और जिसके ऊपर क्या कहते हैं कि अल्लाह भला करे आपका काम की रेशियो के अलावा कंपटीशन कम हो और आपका इंटरेस्ट हो, सबसे बड़ी बात। क्योंकि जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा ना किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने में, वो चीज़ डिज़ाइन करने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। उकताए हुए दिल से जब डिज़ाइन करोगे तो वो चीज़ अच्छे से डिज़ाइन नहीं होगी, ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक है कि हमें 7 कीवर्ड्स फाइनल करने हैं, ठीक है। अब 7 कीवर्ड्स के अंदर से ना 3 कीवर्ड्स का ऑप्शन है आपके पास कि वो आप कोई भी फाइनल कर सकते हो डिज़ाइनिंग से हट के, ठीक है। डिज़ाइनिंग के ही करें 7 के 7 कीवर्ड्स तो वेल एंड गुड है, ठीक है। लेकिन अगर किसी के पास कोई और स्किल है, कोई और उसको चीज़ आती है, वो उसके ऊपर भी काम करना चाह रहा है, तो मोस्ट वेलकम। 3 कीवर्ड्स का ऑप्शन है आपके पास कि आप 3 कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो सिलेक्शन कर सकते हो। 4 कौन से कीवर्ड्स होंगे आपके? प्योरली डिज़ाइनिंग के ऊपर। अब डिज़ाइनिंग के अंदर आपको पता है बेतहाशा चीज़ें आ जाती हैं, वो अभी हम कुछ देखने वाले हैं, कुछ मैं आपकी हेल्प आउट करूँगा।
कि कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऊपर काम करना चाहिए, किसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए। कुछ मैं हेल्प आउट करूंगा, कुछ आप लोग खुद से देखोगे, ठीक है, और इसी तरह से आप सर्च आउट करोगे। तो चार कीवर्ड्स, मिनिमम चार कीवर्ड्स आपने फाइनल करने हैं डिज़ाइनिंग के हवाले से, और तीन आप किसी भी स्किल के ऊपर फाइनलाइज कर सकते हैं अगर आपके पास स्किल है और कोई। तो अगर साथ के साथ ही डिज़ाइनिंग के ऊपर करना चाह रहे हैं तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप साथ के साथ कीवर्ड जो है ना फाइनल कर सकते हो अपने जो है क्या कहते हैं कि फाइबर के लिए। तो स्टार्ट करें। यस बस 15 लोग। हाँ सर, तो यार थोड़ा सा वो लाइंस आ गए, वो रिमूव नहीं हो रही, वो करने की कोशिश करनी है, उसके बाद अपलोड करनी है। सर मेरा थोड़ा मस आ रहा था, मैं आज कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। पंद्रह लोग हैं, जल्दी से आज अपलोड कर दीजिएगा सारे जो है ना। अच्छा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं लोगो डिज़ाइन से, ठीक है। अब लोगो डिज़ाइन जो है ना मोस्ट डिमांडिंग कैटेगरी है, मोस्ट डिमांडिंग वो किस तरह से कि आपको पता है कि जो भी बिजनेस शुरू हो रहा है ना उसको सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले उसको अपनी एक रिकग्निशन चाहिए, एक शक्ल चाहिए, एक सिंबल चाहिए उसको, यानी कि उसको क्या चाहिए, एक लोगो चाहिए, अपनी एक पहचान चाहिए जो भी बिज़नेस शुरू हो रहा है। अब वो ऑनलाइन शुरू हो रहा है, ऑफलाइन शुरू हो रहा है, ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि उसको क्या चाहिए, उसको अपनी एक प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब लोगो जो होता है, लोगो कई किस्म के होते हैं, हम उनको अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम बस ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम अपना काम कर सकते हैं लोगो के हवाले से, ठीक है। सो सबसे पहला मेन कीवर्ड तो है हमारा लोगो डिज़ाइन, ठीक है। अब आपने देखना कैसे है कि इसके अंदर काम की रेशो कैसी है, लोगो डिज़ाइन सर्च करें, ठीक है, आ गया, यहाँ पे सर्विसेज भी आ गई। आपने ये जो है ना नोट करते जाना है अपने पास चीज़ें, ठीक है, अपने पास सारे लिखते जाएं, सारे, जैसे मैंने उस दिन कहा था कि सारे लिखते जाएं, और उस दिन तो आपने नंबर ऑफ गिग्स लिखी थी और कीवर्ड लिखा था, आज साथ आप क्या लिखोगे, उसके काम की रेशो भी लिखोगे, वो किस तरह से वो मैं अभी बताता हूँ। और फिर जब आप सारे लिख लोगे ना, सारे लिखने के बाद आप उसमें से अपने साथ के ऊपर टिक करोगे कि यार ये वो सात कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले काम करना है। अब आपने लिखा लोगो डिज़ाइन, ये जितनी भी गिग्स आ गई ना इसमें से आप ऐसा करो कि पहली कोई 8-10 गिग्स जो है ना इस तरह से ओपन कर लो। मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके क्लिक कर रहा हूँ ताकि टैब अगली टैब में एक हमारी गिग जो है वो ओपन हो जाए, पता है ना इस चीज का, या इस तरह से राइट क्लिक करें, ओपन लिंक इन न्यू टैब, ये सारी ओपन हो गई हैं गिग्स। अब आपने क्या करना है, इस पर हैं, यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो लाइन है यहाँ पर नीचे, ये ऊपर तो इसका टाइटल है, टाइटल के बाद ये इस प्रोफाइल का नाम आ रहा है, इसका आगे लेवल आ रहा है, लेवल अभी हमने डिस्कस करने हैं कि लेवल सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर रिव्यूज़ लिखे हुए हैं कि इसके बारे में 794 बंदों ने लिखा है, ठीक है, और उससे आगे एक चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही है कि 15 ऑर्डर्स इन क्यू लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब इस 15 ऑर्डर्स इन क्यू का क्या मतलब है कि इसके पास अभी इस टाइम कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं, 15, ठीक है। अब वो 15-20 वाले भी हो सकते हैं, उसमें से कुछ 50 वाले भी हो सकते हैं, उसमें से कुछ 100 वाले भी हो सकते हैं, ये गिग के क्या है, पैकेजेस हैं, गिग के क्या है, पैकेजेस, ठीक है। इस बारे में हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं कि काम की रेशो कितनी है। देखें, जो पहला बंदा था उसके पास इस टाइम 15 ऑर्डर है, जो दूसरा बंदा है उसके पास 6 ऑर्डर्स हैं, तीसरा बंदा जो था उसके पास 8 ऑर्डर्स हैं,
चौथे बंदे के पास 11, ठीक है, इसके पास कोई नहीं है। देखें यहाँ पे जो पिक्सल स्टूडियो है, इसके पास कोई नहीं है ऑर्डर। कोई है? स्क्रीन लेट शो हो रही है। आ गया अब ये पिक्सल स्टूडियो? यस सर। देखें इसके पास अब देखिएगा सर। सर हो गया शो। ठीक है, तो इसके पास कोई ऑर्डर नहीं है इस टाइम। जो नेक्स्ट है उसके पास कितने हैं? 13 ऑर्डर इस टोनी के पास, ठीक है। इसके पास 6 ऑर्डर्स हैं। खैर इसको तो छोड़ ही देना, गिग ब्लास्ट को तो 85 ऑर्डर्स हैं इसके पास। 85 ऑर्डर सर, ये इतना काम कर कैसे लेता है? ये फिर अकेले नहीं होते ना, ये फिर अकेले नहीं होते, ये स्मॉल एजेंसी होती है पूरी। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक फ्रीलांसर का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो यही होता है कि एक स्मॉल एजेंसी। इसके पास देखें, नादिया के पास 36 ऑर्डर्स हैं। इसके पास आरिफ खान के पास 9 हैं, और ये प्रो लेवल सेलर है, इसके पास कम ही होंगे। क्यों प्रो लेवल के पास कम क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जो पैकेजेस हैं वो ही बहुत हाई क्लास होते हैं। अब ये देखें 900 का तो एक लोगो बना कर दे रहा है, ठीक है। और ये डायमंड लेपर्ड जो है, इसके पास 10 ऑर्डर्स हैं। तो अगर आप गौर करें तो ऑन एवरेज हर बंदे के पास 7-8 ऑर्डर्स हैं कि नहीं है ऑन एवरेज? यस यस सर। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि यार ऑन एवरेज 8-10 ऑर्डर हर बंदा लेकर बैठा हुआ है ऑन एवरेज। किसी के पास 15 थे, किसी के पास 20 थे, बीच में से कुछ जो है वो 80 वाले भी आए, कुछ 36 वाले भी आए। तो काम की रेशो बड़ी अच्छी है इसके अंदर। और अभी तो पूरा दिन पड़ा है, अभी इस दिन में हो सकता है जो पहले उनके पास 8-10 ऑर्डर्स हैं, हो सकता है 1-2 ऑर्डर आज और आ जाएं। हो सकता है कि नहीं? यस सर, और यकीन करें कि जब आपकी गिग थोड़ी सी रैंक हो जाती है, गिग थोड़ी सी आगे आ जाती है ना, तो फिर एक दिन के अंदर 3-3, 4-4 ऑर्डर्स आपको आ रहे होते हैं ऑटोमेटिकली। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको जस्ट बैठना होता है, जवाब देना होता है, रिस्पॉन्स करना होता है, और खुद ही ऑर्डर्स आ रहे होते हैं आपको जो है। और दिन में 3-4 आराम से जो है वो आ जाते हैं। और ये इसके पास 10 हैं, इस 10 में से 2-3 तो ये आज बना कर दे देगा, फिर 2-3 और आ जाएंगे, फिर 2-3 बना कर दे देगा, 2-3 और आ जाएंगे। सो इससे आपको क्या पता चला कि काम की रेशो है अच्छी के नहीं इसके अंदर? सर आप इस पर काम करते हो इन इस लोगो डिजाइन के ऊपर, तो ऑन एवरेज आपके पास 8-10 ऑर्डर्स इन क्यू होने वाले हैं, यानी कि हर टाइम आपके पास 8 या 10 ऑर्डर्स जो हैं वो एटलीस्ट चल रहे होंगे। है ऐसा कि नहीं? यस सर। चीज होती है काम की रेशो की, उस कीवर्ड के ऊपर जो है वो काम की रेशो कितनी है, लोगों के पास ऑर्डर्स हैं भी सही के नहीं। अब कोई ऐसा कीवर्ड हो जिसमें पहले 10-12 लोगों में से किसी एक बंदे के पास सिर्फ 1 या 2 ऑर्डर हों, या 2 बंदों के पास किसी के पास 1 या 2 ऑर्डर हों और बाकी सारे वेले बैठे हों, तो क्या ख्याल है ऐसे कीवर्ड में जाना चाहिए कि नहीं? नो सर, नहीं जाना चाहिए। कीवर्ड के अंदर जो है वो इंटर होना है जिसके अंदर तकरीबन तमाम लोगों के पास ऑलमोस्ट, स्टूडियो को हम छोड़ देंगे और हम प्रो लेवल सेलर को छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसमें भी हमने स्टूडियो और प्रो लेवल को जो है वो हमने इग्नोर किया क्योंकि उन दोनों के पास नहीं था, सिर्फ सेलर्स के पास था। तो प्रो लेवल और स्टूडियो क्या चीज़ है ये डेफिनेटली बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जिसके साथ लिखा हो कि स्टूडियो या जिसके साथ लिखा हो प्रो लेवल सेलर, जिसका ब्लैक कलर की चीज़ें आ रही हों, उसको हम इग्नोर करेंगे। बाकी हम देखेंगे सेलर्स का कि उनके पास काम की रेशो क्या है, ठीक है। अच्छा, हमने लोगो डिज़ाइन सर्च कर लिया। अब लोगो डिज़ाइन के अंदर जो है ना बेतहाशा कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये मेन कीवर्ड है, इसके ऊपर आप काम करोगे, ठीक है। इसको हम इंटर लाजमी करेंगे अपनी गिग के अंदर। क्या चीज़ है, कैसे इंटर करेंगे, वो जब हम गिग बनाएंगे तो तब हम देखेंगे कि कीवर्ड्स की प्लेसमेंट हम लोग किस तरह से करते हैं, ठीक है। लोगो डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो मिनिमलिस्ट लोगो होता है हमारे पास, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम जाएं तो यहाँ पर 98,000 सर्विसेज हैं हमारे पास, ठीक है। मिनिमलिस्ट लोगो अगर हम सर्च करें तो इसके ऊपर हमारे पास 33,000 सर्विसेज हैं। अब आपने करना क्या है कि जो भी आप कीवर्ड सर्च कर रहे हैं ना, उसकी सारी वो गिग्स इस तरह से 8-10 ओपन करके देख लेंगे कि नहीं?
यस सर ठीक है। अच्छा अब फाइबर का क्या सिनेरियो है? फाइबर का सिनेरियो ये है कि जब आप बार बार टैब्स को ओपन करते हो ना, तो ये वो आपको वेरिफिकेशन वाला दिखाता है कि भाई जान वेरीफाई करो आप ह्यूमन हो के नहीं। सो वो अगर आ जाए तो वेरीफाई कर लेंगे या परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया? ठीक है, तो वो आपने क्या करना है, वो आपने जो है वो वेरीफाई कर लेना है कि भाई जान हम रोबोट नहीं है, हम ह्यूमन है, या हम खुद ही सर्च करे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा मिनिमलिस्ट लोगो हो गया हमारे पास। ठीक है, ये देखें इसके पास भी तीन ऑर्डर्स हैं, ऑन एवरेज इसमें भी चार पाँच छः सात ऑर्डर हर एक के पास होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप सर्च करो फ्लैट लोगो। ठीक है, उसके ऊपर 6000 सर्विसेज आ रही हैं आपके पास, आप इनके काम की रेशो देखोगे और आगे साथ लिखते जाओगे अपने पास, क्या करते जाओगे आगे जो है आप वो लिखते जाएंगे, आगे आप साथ साथ जो है वो लिखते जाओगे। ठीक है, आप इस तरह से लिखोगे फ्लैट लोगो, उसके बाद लिखोगे कि कितनी सर्विसेज थी इसके अंदर, 6719 और एवरेज आप लिखोगे कि 6। अब इस एवरेज 6 का मतलब क्या है कि ऑन एवरेज लोगों के पास 6-7 ऑर्डर्स चल रहे हैं, मतलब काम की रेशो काफ़ी अच्छी है कि आपके पास 6-7 ऑर्डर एट अ टाइम अगर आए हुए हैं तो इसका मतलब है कि यार बड़ी अच्छी चीज है, आपके पास काम की कमी नहीं होगी। ठीक हो गया, अच्छा उसके बाद फ्लैट लोगों के बाद, अच्छा नीचे यहाँ पर आप देखें सजेस्टेड के अंदर यहाँ पर भी कुछ आपको कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर बेबी लोगो नजर आया हमें, हमने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखें बेबी लोगो 398 सर्विसेज एंड सिर्फ। ठीक है, आप सर्च आउट करोगे कि इसके अंदर काम की रेशो है या नहीं। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर आप देखो सिग्नेचर लोगो, किड्स लोगो, पेट लोगो, फोटोग्राफी लोगो, फैशन लोगो, मैंने इन सब के ऊपर क्लिक कर लिया और सबको नई टैब में ओपन कर लिया। सो अगर आप यहाँ पर देखो सिग्नेचर लोगो है इसके ऊपर, मजे की बात यह है कि जब आप लिखोगे ना सर्च करोगे तो उनकी शक्ल भी आपको नजर आने लग जाएगी कि यार सिग्नेचर लोगो किस तरह का होता है। ठीक है, अब ये जो आपके पास सिग्नेचर लोगो आ रहे हैं ना, ये मोस्टली काम होता है फॉन्ट्स का, कि आपको अच्छे फॉन्ट्स ढूंढने होते हैं सिग्नेचर फॉन्ट्स। जैसे मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि सिग्नेचर फॉन्ट्स ढूंढिएगा आप अपने नाम के, अच्छे से कहा था ना। यस सर। ठीक है, सो इसमें मोस्टली काम होता है हमारा फॉन्ट्स का, बाकी हम थोड़ी सी उसकी जो है वो एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं। अब इसकी आप गिग्स ओपन करके देखोगे, यहाँ पर ये सर्विसेज लिखी हुई हैं ये मेंशन करोगे और साथ साथ आप अपना इंटरेस्ट भी बिल्डअप करते रहोगे कि यार आया कि मुझे इस कीवर्ड के ऊपर काम करना है या नहीं करना है, इस सिग्नेचर लोगो के ऊपर मुझे इस तरह के लोगोज बनाना अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, ये सारा किसने देखना है? हमने देखना है। उसके बाद किड्स लोगो है, किड्स लोगो के अंदर 559 सर्विसेज हैं, आप उसी तरह से काम की रेशो लाजमी चेक करेंगे, ये ना हो कि ये नंबर देख के मुंह में पानी आ जाए कि यार ये नंबर बड़े थोड़े हैं इसके अंदर तो मैं जल्दी से ऊपर आ सकता हूँ, और पता चले कि यार इसके ऊपर तो काम ही नहीं है, इतना लोग वेले बैठे हुए हैं, तो फायदा है कोई? ठीक है, उसके बाद ये देखें पेट लोगो है, इसके अंदर 1100 है, अगेन आप इसकी भी वो सर्विस चेक करेंगे। उसके बाद फोटोग्राफी लोगो है, इसके अंदर 1000 हैं। ठीक है, उसके बाद फैशन लोगो है, इसके अंदर 2400। अच्छा उसके बाद नीचे हमारे पास कुछ और आ गए, लग्जरी लोगो आ गया, मोनोग्राम आ गया, स्ट्रीट वेयर, ब्यूटी लोगो, क्लॉथिंग लोगो। ठीक है, ये सारे आ गए, हमने इन सबको देख लिया। लग्जरी लोगो के अंदर कितने हैं जी? 9000 हैं। उसके बाद यहीं पर आ गया हमारे पास एलिगेंट लोगो, यहाँ पर हमने मोनोग्राम के अंदर देखा यहाँ पर है 2157। ठीक है, और पर्सनल लोगो है हमारे पास, टेक्स्ट लोगो है, लेटर लोगो है, इनिशियल लोगो है। देखें अलग अलग कीवर्ड्स आपको मिलते जा रहे हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन सब कीवर्ड्स को आपने लाजमी चेक करना है। आप जो है टेक्स्ट लोगो लिखो। ठीक है, टेक्स्ट लोगो आपके पास आ गया, देखें 3000 सर्विसेज हैं, बहुत कम है 3000, हम जल्दी से इसके अंदर रैंक कर सकते हैं। टाइपोग्राफी लोगो है यहाँ पर हमारे पास, ये देखें
टाइपोग्राफी लोगो आ गया हमारे पास इस तरह से, हम इसके अंदर जो है वो लाजमी जल्दी से जो है वो रैंक कर सकते हैं। उसके बाद अपना आपके पास लेटर लोगो आ गया, ये देखें 2000 सर्विसेज हैं इसके अंदर सिर्फ। उसके बाद आपके पास नियॉन लोगो आ गया, आप नियॉन लोगो लिख कर सर्च करो, 775 सर्विसेज हैं इसके अंदर, इस नियॉन लोगो के अंदर आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। आपके पास रेट्रो लोगो है, इसके अंदर आपके पास जो है 2900 सर्विसेज हैं। इस तरह से विंटेज लोगो है आपके पास, ये देखें इसके अंदर आपके पास 4000 सर्विसेज हैं, ठीक है। आपके पास हैंड्रॉन लोगो है, बैज लोगो है आपके पास, उस दिन भी मैंने बताया था बोटैनिकल लोगो है, ठीक है। ये काफ़ी, ये कैटेगरी भी काफ़ी अच्छी है बोटैनिकल लोगो, ठीक है। इसके अंदर जो है वो 640 सर्विसेज हैं आपके पास, और बेतहाशा चीज़ें हैं, फेमिनाइन लोगो, बोहो लोगो, ठीक है। इसके अंदर आप काम कर सकते हो, ये देखें 737 जो है वो सर्विसेज हैं आपके पास। आपको अगर ये अच्छा लग रहा है, शक्ल इसकी अच्छी लग रही है, आपका दिल कर रहा है इसके अंदर काम करने को, तो आप इसको फाइनलाइज कर सकते हैं अपने लिए। हैंड्रॉन लोगो है, ये देखें 23000 सर्विसेज हैं हैंड्रॉन लोगो के अंदर, ठीक है। और बेतहाशा लोगो है, जैसे हमने उस दिन बात की कि रियल इस्टेट लोगो, ठीक है, रियल इस्टेट के अंदर ये देखें 20000 सर्विसेज हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन लोगो है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास कितनी है कि 1100 सर्विसेज हैं। उसके बाद आपके पास रेस्टोरेंट लोगो है, ठीक है, आप वो सर्च करो, उसके अंदर आपके पास 1800 सर्विसेज हैं। फूड लोगो है, कैफ़े लोगो है, कॉफ़ी लोगो है, ठीक है। सो एक लोगो के हवाले से आपने देखा कि कितने कीवर्ड्स आपके पास निकल कर आ रहे हैं। यस सर, ठीक है। सो आपको जस्ट टाइम स्पेंड करना है। मैंने जैसे पहले कहा था कि अगर आप इसके ऊपर टाइम स्पेंड कर लेंगे तो आपका फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। जिम लोगो है हमारे पास, हमारे पास फिटनेस लोगो है, देखें कितने लोगोज आ रहे हैं हमारे पास और लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये होती है टेक्निक, राइट टेक्निक, एक अच्छी अप्रोच एक स्टार्ट में। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे सुनी सुनाई बातों पर जाकर जो है वो चले जाएंगे, अमल कर लेंगे कि यार चलो जी लोगो डिज़ाइन में गिग बना लेता हूँ, आपने क्या किया, देखा देखी में एक लोगो डिज़ाइन के ऊपर गिग बना ली, ना आपका अपना इंटरेस्ट है उसके अंदर, ना आपने ये देखा कि यार उसके अंदर काम की रेशो कितनी है, ना आपने ये देखा कि यार उसके अंदर जो है वो कितने सेलर्स पहले से मौजूद हैं, कंपटीशन कितने हैं, आपने ऐसा कुछ भी ना देखा, आपने बस सुनी सुनाई में क्या किया, उसके ऊपर गिग बना दी और एक बस गिग बना के आप बैठ गए कि चलो जी आप ऑर्डर आएगा, तो क्या ख्याल है ऐसे काम चलेगा? ठीक है, एक बंदा जो प्रॉपर सर्च करके आ रहा है, प्रॉपर सर्च करके गिग बना रहा है, अच्छे से कीवर्ड्स चूज कर रहा है, देख रहा है कि यार इसके अंदर मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है, वो एक बंदा, और एक बंदा जो है ऐसे ही बस आया, सुना कहीं से और आके गिग बना दी, तो दोनों में से किसको बेनिफिट मिलने वाला है, किसको रिस्पांस जल्दी मिलने वाला है? जो रिसर्च करके आएगा, जो आपका रिसर्च करके आएगा। और याद रखिएगा कि इसके अंदर आपकी जितनी रिसर्च अच्छी होगी, जितने कीवर्ड्स ज्यादा होंगे आपके पास, उतना फायदा है आपको, उतना फायदा है, ठीक है, उतना आपको फायदा है। और ये चीज प्योरली जो है ना काम आने वाली है आपके, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके ऊपर काम करके आप एक अच्छा कीवर्ड निकालते हो, उसके ऊपर आप गिग बनाते हो, उसके ऊपर आप काम करते हो, उसके ऊपर आप जल्दी से रैंक करते हो, आप पैसे बनाते हो, तो उसका फ़ायदा किसको है उन पैसों का? आपके किसी क्लास फेलो को, मुझे, या किसी और को, थर्ड पर्सन को तो होने नहीं वाला। उसका फ़ायदा जो है वो डेफिनेटली आपको ही होने वाला है, सारे का सारा। और सारी जो उसके बेनिफिट्स हैं वो कौन उठाने वाला है? आप लोग खुद। तो ये अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसके ऊपर, इसके ऊपर कितनी एफर्ट करना चाह रहे हो, कितनी नहीं करना चाह रहे, ठीक है। और याद रखिएगा कि अगर आप एफर्ट करेंगे इसके ऊपर तो रिस्पांस मिलेगा आपको। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं, कोई और मेरी जगह सर्च कर लेगा, मैं बस देख कर जो है वो बना लूँगा, या कोई मुझे बता देगा, तो नहीं आने वाला रिस्पॉन्स जो है ना, क्योंकि मेहनत कोई एक चीज़ होती है और मेहनत का ही आपको फल मिलता है। ऐसे तो नहीं ना कि मेहनत कोई और करे और उसकी जगह फल आप ले जाएं। ठीक है, सो ये आपको अपने हाथ से करना है, अपने हाथ से करना है, ठीक है। ये तो थी बात के लोगों के हवाले से हम लोगों बना सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास पोस्टर डिज़ाइन, ठीक है। अब पोस्टर डिज़ाइन मेन कीवर्ड है ये,
अपना हमारा पोस्टर डिजाइन, उसके अंदर टोटल कितनी सर्विसेज हैं, 13,000 सर्विसेज हैं हमारे पास पोस्टर डिजाइन के अंदर, ठीक है। अब पोस्टर जो है कई तरह के हो सकते हैं, आपको पता है कि मूवी पोस्टर हो जाए हमारे पास, ठीक है। अब मूवी पोस्टर के अंदर 2000 सर्विसेज हैं हमारे पास, ये देखें, ठीक है, ये देखें 2000 सर्विसेज हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास इवेंट पोस्टर, फिल्म पोस्टर, विंटेज पोस्टर, सोशल मीडिया पोस्टर, ठीक है। इसके अंदर देखें हमारे पास इवेंट पोस्टर के अंदर जो है हमारे पास 1700 सर्विसेज हैं, ठीक है। फिल्म पोस्टर के अंदर हमारे पास 196 हैं, और विंटेज पोस्टर के अंदर हमारे पास 203 हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पोस्टर के ऊपर हमारे पास 31,000 सर्विसेज हैं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, आप पोस्टर के हवाले से बेतहाशा चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो, और आपको फाइंड आउट करने के बाद आपको देखना है कि यार वो चीज़ आपके मतलब की है भी सही कि नहीं। एक तो अपने मतलब की देखनी है, दूसरी चीज़ आपने क्या देखना है, दूसरी चीज आपने क्या देखना है, रेशो देखना। दूसरी चीज आपने जो है वो काम की रेशो देखनी है कि काम की रेशो कैसी है। उसके अंदर ये ना हो कि उसके अंदर काम की रेशो ही बड़ी कम हो, ठीक है। पोस्टर डिजाइन हो गया, उसके बाद आपके पास फ्लायर डिजाइन है, ठीक है। आपको बताया था फ्लायर डिजाइन के अंदर आपके पास 19,000 सर्विसेज हैं, इसके अंदर अगेन बेतहाशा चीजें आ जाएंगी, ठीक है। वो कैसे के बिजनेस फ्लायर के ऊपर आप काम कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो कितनी सर्विसेज हैं, 7,500 सर्विसेज हैं इसके अंदर हमारे पास, ठीक है, बिजनेस फ्लायर के ऊपर। और उसके बाद अगर आप बात करो कि कॉर्पोरेट फ्लायर, ये भी बिजनेस की कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन कीवर्ड हमारा थोड़ा सा बस चेंज हो जाता है, ठीक है। सो देखें 1300 सर्विसेज हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल फ्लायर है, फूड है, इवेंट है, प्रोफेशनल के अंदर 7,000, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं फूड फ्लायर, इसके अंदर देखें सर स्क्रीन आगे पीछे चार स्क्रीन मैं अगेन शेयर करता हूं। ठीक है, ये देखें इसके अंदर 1400 सर्विसेज हैं सिर्फ, ठीक है। उसके बाद आप जो है इवेंट फ्लायर लिखो, इसके अंदर आपके पास कितनी है, 2800। उसके बाद आप जो है वो लिखो पार्टी, पार्टी फ्लायर है, उसके अंदर 1300 हैं। उसके बाद क्लब फ्लायर है, चर्च फ्लायर है, क्लब फ्लायर के अंदर देखो 452 है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक चीज है बर्थडे फ्लायर, मेरे दो तीन दोस्त जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं बर्थडे फ्लायर के ऊपर, और अच्छा काम कर रहे हैं, इसके अंदर भी अच्छा काम है बर्थडे फ्लायर के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर भी आप अच्छा काम कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास था चर्च फ्लायर, इसके अंदर हमारे पास 1000 जो है वो सर्विसेज हैं, ठीक है, ये देखें। और बेतहाशा जो है आपके पास निकल आएंगे, फूड है एंड सो ऑन, आपके पास बेतहाशा किस्म के फ्लायर जो है वो निकल आएंगे। जो भी आपके माइंड में आ रहा है आप इसको सर्च आउट करोगे, यार इस चीज़ का भी तो फ्लायर हो सकता है ना, इस चीज़ का भी तो फ्लायर हो सकता है। मेडिकल के ऊपर हैं हमारे पास मेडिकल फ्लायर हैं, ठीक है, ये देखें 197 है। और जिम फ्लायर है हमारे पास, ये देखें 336 हमारे पास जिम के आ गए। उसके बाद हमारे पास रियल इस्टेट के हैं, ठीक है, ये देखें रियल इस्टेट के 5000 आ गए। उसके बाद हमारे पास स्पोर्ट्स के हैं, ये देखें 675 हमारे पास जो है वो स्पोर्ट्स के आ गए, ठीक है। सो आपके पास एक ही चीज़ के ऊपर बेतहाशा कीवर्ड्स निकल कर सामने आते हैं, और उनको आपने नोट डाउन करना है, और तंग नहीं आना इस चीज़ से कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ बैठे बैठे, बस यही काम है मेरा और मेरा कोई काम ही नहीं है। नहीं, यही तो मेन काम है आपका, ठीक है। ये जितना अच्छे से आप निकाल लेंगे उतना आपका फायदा है, उतना आप अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक है। यस सर,
यही तो वो एफर्ट्स हैं जो आपको शुरू में पुट करनी है, और ये एफर्ट्स अगर आप पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेगा। अच्छा ये तो हो गया, हमने अभी तीन चीज़ें देखी हैं कि आपके पास लोगो हो गया, पोस्टर हो गया, बैनर हो गया, उसके अलावा आपको पता है कि आपके पास क्या चीज़ होती है? बिजनेस कार्ड। अब बिजनेस कार्ड के अंदर आप सर्च करो लग्जरी बिजनेस कार्ड, यूनिक बिजनेस कार्ड, मिनिमल बिजनेस कार्ड, मॉडर्न बिजनेस कार्ड, क्रिएटिव बिजनेस कार्ड, एलिगेंट बिजनेस कार्ड। सो ये आप सर्च कर सकते हो ना? यस सर। उसके बाद आपके पास रिज्यूमे डिजाइन आ जाता है। ये वो चीजें हैं जो मैं, जो आप जानते हो, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ सिर्फ। रिज्यूमे डिजाइन आप करके दे सकते हो। उसके बाद हमने क्या चीज देखी थी कि एक इनवॉइस डिजाइन भी होती है आपके पास, होती है ना? यस सर। ठीक है, आप ये इनवॉइस डिजाइन करके दे सकते हो। और उसके बाद जो है सर्टिफिकेट, एक चीज होती है लेटर, एक चीज होती है लेटर हेड। ठीक है, इसके अंदर 2000 सर्विसेज हैं। आप लेटर हेड किसी को डिजाइन करके दे सकते हो, एक सिर्फ लेटर हेड। आपने देखा होगा कि आपने स्कूल, अपनी यूनिवर्सिटी का लेटर हेड देखा होगा जिसके ऊपर आपके स्कूल या कॉलेज का लोगो वगैरह लगा होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, और नीचे बॉटम पर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, होता है कि नहीं? यस सर। सो वो आपका क्या होता है, वो आपका लेटर हेड होता है। इसी तरह आपने अगर कहीं से किसी डॉक्टर से चेकअप करवाया है, सो एक डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा उसके ऊपर भी वो उसका अपना नाम वगैरह सारा कुछ लिखा होता है, होता है कि नहीं? यस सर। वो क्या होता है, वो उसका लेटर हेड होता है, वो डिजाइन करवाते हैं। ठीक है, लेटर हेड डिजाइन हो सकता है। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेट भी बेतहाशा किस्म के हैं। आपने ये भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, ये भी आपने सर्च करना है। आप सैलून सर्टिफिकेट लिख लो, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको नैरो डाउन करना है चीज को। जितना आप नैरो डाउन करके उसकी एग्जैक्ट सर्विस के अंदर जाएंगे ना, उतना आपको क्या होगा, आपने हमेशा कीवर्ड को नैरो डाउन करना है, उसकी तह तक पहुंचना है, वहां तक जहां पर कंपटीशन कम हो और काम की रेशो ज्यादा हो, अच्छी हो, काम की रेशो अच्छी हो, यानी कि हर बंदे के पास दो तीन ऑर्डर्स एटलीस्ट होने चाहिए। सो वहां पर आपने जाना है, वहां पर आपको अच्छा काम मिलेगा और जल्दी काम मिलेगा। सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद इनविटेशन कार्ड्स होते हैं आपके पास, जो आप डिज़ाइन करके दे सकते हो। देखें 2300 सर्विसेज हैं। ग्रीटिंग कार्ड है, बर्थडे कार्ड है, वेडिंग इनविटेशन है, बर्थडे इनविटेशन एंड सो ऑन, पार्टी इनविटेशन। ये देखें कितने ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, हैं कि नहीं? यस सर। आपको इन्हीं कीवर्ड्स को सर्च आउट करना है, इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर आपको काम करना है, इनको ढूंढना है। उसके बाद आपके पास फेसबुक कवर है, आप फेसबुक कवर जो है वो डिजाइन करके दे सकते हो। ये देखो, करवाया है ना आपसे कल? यस सर। यस सर। ठीक है, सो आप फेसबुक कवर जो है वो डिजाइन करके दे सकते हो। और फेसबुक आप क्या डिजाइन करके दे सकते हो, ये देखो, फेसबुक बैनर आप डिजाइन करके दे सकते हो, फेसबुक पोस्ट आप डिजाइन करके दे सकते हो, ये देखो, दे सकते हो ना करके? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद आप इंस्टाग्राम की पोस्ट डिजाइन करके दे सकते हो, सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइन करके दे सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम की स्टोरी आप डिजाइन करके दे सकते हो। ठीक है, और क्या डिजाइन करके दे सकते हो इसके अंदर? आपको पता है ना कि पिंटरेस्ट के भी चीजें हैं, ये देखें, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं उनकी आप पोस्ट या पिन या चीज डिजाइन करके दे सकते हो कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि मोटिवेशनल कोर्स जो है वो, ये देखें, वो दे सकते हो, लिखकर दे सकते हो। यस सर। ये अच्छा। ठीक है, और बेतहाशा चीजें हैं जो आप डिजाइन करके लोगों को दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो पोस्ट कार्ड डिजाइन है हमारे पास, एक चीज। ठीक है,
ये आप जो है वो दे सकते हो, इस तरह से पोस्ट कार्ड आप किसी को डिजाइन करके दे सकते हो। उसके बाद हमने देखा था कि आपको ना समझे आप यहाँ से थोड़ा सा देख लो ग्राफिक डिजाइन के अंदर, यहाँ पर हमारे पास पोस्ट कार्ड है, कैटलॉग है, मेन्यू है, देखें मेन्यू डिजाइन हम करके दे सकते हैं, हम साइनेज डिजाइन करके दे सकते हैं, देखें ये देखें साइनेज डिजाइन है, ठीक है। और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो बिलबोर्ड डिजाइन है हमारे पास, बिलबोर्ड डिजाइन आ गया, देखें 1400 सर्विसेज हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास अल्लाह भला करे आपका रोल अप बैनर होता है एक, ठीक है, ये आप डिज़ाइन करके दे सकते हो, जिसको आप स्टैंडी बोलते हो, जो आपने अक्सर बाहर किसी ऑफिस के किसी जगह पर आपने देखी होगी लगी हुई, इस तरह से खड़ी होती है छोटी सी, होती है कि नहीं? यस सर, ठीक है, ये आप डिज़ाइन करके दे सकते हो। उसके बाद यार्ड डिज़ाइन है, ये भी आपका इस तरह से बोर्ड होता है एक, ठीक है। आप बैनर्स बनाकर दे सकते हो, वेब बैनर्स बनाकर दे सकते हो, अलग अलग वेबसाइट्स पर आपने बैनर्स देखे होंगे, वो क्या होता है, वो ये बैनर डिज़ाइन होता है, ये देखो ये इस तरह से जो है यार्ड डिज़ाइन जो है ये आप बनाकर दे सकते हो, इस तरह के जो बोर्ड्स होते हैं अलग अलग, ये देखें होते हैं ना इस तरह के बोर्ड्स, तो ये क्या कर सकते हो, ये आप डिज़ाइन करके दे सकते हो, बेतहाशा चीज़ें हैं जो आप डिज़ाइन करके दे सकते हो, बेतहाशा, ठीक है। उसके बाद यार वो कीवर्ड क्या था, डोर हैंगर आप डिज़ाइन करके दे सकते हो, ठीक है, ये डोर हैंगर जो अक्सर आपने देखा होगा डोर्स के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का लगा होता है, लगा होता है कि नहीं? यस सर, लगे भी होते हैं, यस सर। सो ये आप डिज़ाइन करके दे सकते हो किसी को भी, जो है ये आप डिज़ाइन करके दे सकते हो। और उसके बाद इनके टाइटल के अंदर से आपको अक्सर कीवर्ड मिल सकते हैं, देखें जैसे रैक कार्ड लिखा हुआ है किसी ने, अब हम यहाँ पर आएंगे, हम अपना रैक कार्ड चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये देखें रैक कार्ड भी वही चीज़ है, ठीक है, ये आप करके दे सकते हो। आप जो है अपना पॉडकास्ट का लोगो है हमारे पास, आप वो दे सकते हो, पॉडकास्ट का लोगो, ठीक है, और पॉडकास्ट का कवर आप डिज़ाइन करके दे सकते हो, ये वाला, बेतहाशा चीज़ें हैं जो आप डिज़ाइन करके दे सकते हो। यूट्यूब के वाले से आप क्या डिज़ाइन करके दे सकते हो, यूट्यूब की वीडियोस के थंबनेल, आप यूट्यूब का थंबनेल डिज़ाइन करके दे सकते हो, ये भी बहुत एक डिमांडिंग कैटेगरी है, क्योंकि आपको पता है कि अब्रॉड के जितने भी लोग हैं ना, हर दूसरे बंदे का अपना एक यूट्यूब चैनल होता है, होता है, ठीक है। सो उनको बड़ी ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, आप YouTube बैनर बना कर दे सकते हो, ये देखें YouTube बैनर आप बना कर दे दो, YouTube थंबनेल बना कर दे दो, ठीक है, YouTube के हवाले से आप चीज़ें बना कर दे सकते हो। और उसके अलावा आप रैपिंग कर सकते हो, ये देखो कार रैप, कार्स के ऊपर का जो डिज़ाइन होता है आप ये उनको बना कर दे सकते हो, ये सारी चीज़ें एक ही तरह से बनती हैं, एक ही तरह से बनती हैं, ठीक है, कोई चीज़ अलग नहीं है। अगर आपको टूल्स चलाने आ गए तो ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो, चाहे वो फिर लोगो हो, फिर कुछ भी हो, फिर वो कुछ भी हो, आकर जो है वो दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, व्हीकल रैपिंग आप कर सकते हो, इसके अंदर ये देखें अलग अलग कीवर्ड्स आपके पास आ रहे हैं, आप बेतहाशा कीवर्ड्स हैं ऐसे जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करो, आप कीवर्ड्स का आइडिया लेने के लिए आप canva.com पे बेशक चले जाओ, और यहाँ पर देखिए टेम्पलेट्स के अंदर, टेम्पलेट्स के अंदर आपको बेतहाशा चीज़ें मिलेंगी, नज़र आ रही है कि नहीं? यस सर, आ रही है, ठीक है। यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो, यहाँ से आप आइडिया लेकर जो है वहाँ पर जा सकते हो, और वहाँ पर आप चीज़ें जो है डिज़ाइन करके दे सकते हो। उसके बाद क्या था हमारे पास, मेन्यू डिज़ाइन था, वो हमने नहीं देखा, ये देखें 3400 सर्विसेज हैं। सो आपने क्या करना है, अब आपने कीवर्ड्स बेतहाशा लिखने हैं, बेतहाशा कीवर्ड्स लिखें, कोई 50-60 तो लिखें ही सही, कम से कम 50-60, और उनका देखें कि कंपटीशन कितना है वो लिखें, उनकी एवरेज कितनी है वो लिखें, कम से कम 50-60 तो लिखें ना, कम से कम। पावर पॉइंट क्या है हमारे पास, ये देखें 5400 सर्विसेज हैं,
ये सारी वो सर्विसेज मैंने आपको दिखाई हैं जो किससे रिलेटेड हैं, डिजाइनिंग से रिलेटेड हैं। सो आपको डिजाइनिंग से रिलेटेड कम से कम 50-60 कीवर्ड्स लिखने हैं, उनके कंपटीशन लिखना है, ठीक है। बहुत टाइम है आपके पास, आप पूरा दिन ले सकते हो, और अगर आप बैठो इसके ऊपर सही प्रॉपरली तो क्या ख्याल है, हार्डली कितनी देर का काम है सर? 1 घंटा। हार्डली 1 घंटे का काम है, ये 1 घंटे से ज्यादा का काम नहीं है। और उसके अलावा ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल है, आपने अगर कामयाब होना है फाइवर के ऊपर तो आपको लो कंपटीशन कीवर्ड्स चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं होने वाला कि आप डायरेक्ट 1,50,000 में जंप मार दो और फौरन से ऑर्डर्स आने लग जाएं, ऐसा इसकी रेशियो बहुत कम है, बहुत कम चांसेस हैं इस चीज़ के, बहुत कम, बहुत ही कम चांसेस हैं, कोई 1% या 2%। लेकिन अगर आप प्रॉपरली प्लान के साथ जाओगे तो फिर आप सक्सेस हो सकते हो। आप ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर जाओ जहां पर कंपटीशन कम है, जहां पर आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि आपने दो चीज़ें देखनी है कि कंपटीशन कम और रेशियो हो काम की, ठीक है, एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि आपका इंटरेस्ट भी है कि नहीं है। अब हो सकता है आपको ये पावर पॉइंट डिज़ाइन बनाना अच्छा ना लगता हो, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? यस सर। फिर जब आप उकताए हुए दिल के साथ ये डिज़ाइन करोगे तो क्या ख्याल है, इसको 100% दे पाओगे कि नहीं? नो सर। ठीक है, और क्लाइंट को आपका 100% चाहिए तो आपका ये चीज़ बड़ी डिपेंड करेगी कि भाईजान आपको क्या कहते हैं कि ये चीज़ आती भी है कि नहीं। आना एक अलग चीज़ है, उसके अंदर इंटरेस्ट होना अलग चीज़ है कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। जब आपका इंटरेस्ट होगा फिर आप वो अच्छे से करोगे। सो अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करें, इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के बाद जो है कम से कम 50-60 कीवर्ड्स अपने लिखें। 50-60 कीवर्ड्स लिखने के बाद आप जो है उसमें से फिर 7 कीवर्ड्स जो है वो फाइनल करो, और बेशक आज का दिन ले लें, कल का भी दिन ले लें। क्यों मैं टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया है कि यार ये चीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ऊपर टाइम स्पेंड करना कितना ज़रूरी है, मुझे इस चीज़ का आइडिया है। और अगर आप कर लेंगे तो आपका फ़ायदा है, नहीं करेंगे तो मेरा कुछ नहीं जा रहा, या मेरा कुछ जा रहा है? नो सर।